नमस्कार, मैं कांता पकवान कला में आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू पकवान कला। आज हम जानेंगे कुछ किचन की यूजफुल टिप्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इन मिर्चों में से कटी हुई और खराब मिर्च निकाल देंगे और फिर इन्हें धोकर हम सुखा लेंगे। मिर्चों को मैंने स्टेम के साथ ही धोया है। अब मैं इन मिर्चों की स्टेम निकाल लूंगी। अब मैंने इन मिर्चों की स्टेम निकाल ली है। मैंने स्टेम के साथ इन्हें इसलिए धोया था कि इनमें पानी ना चला जाए। अब मेरी मिर्ची ड्राई हो चुकी है और उनकी स्टेम भी निकाल ली है। अब मैं इन्हें एक टिश्यू पेपर में लपेट के एयर टाइट कंटेनर में रख के इन्हें फ्रिज में रख लूँगी। ये मेरी मिर्ची कई दिन तक खराब नहीं होंगी और ना ही मुरझाएंगी। अब हम बात करते हैं खीरे के बारे में। ये हमारा देसी खीरा है। अक्सर ये खीरा कड़वा निकलता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले खीरे को जहाँ से ये टूटता है यहाँ से हम थोड़ा सा इसका टुकड़ा काट लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालेंगे एक चुटकी भर के, और फिर अपने इस कटे हुए टुकड़े से इसको हम ऐसे ऐसे करके रब करेंगे और हमारे खीरे का कड़वापन दूर होता जाएगा। ये देखिए, इसे हम एक मिनट तक रब करेंगे। उसके बाद इस खीरे को वॉश करके छील के हम इसे यूज कर लेंगे। और दूसरा टिप है, ये हमारा खीरा है, इसे हम चाकू से नहीं काटेंगे। इस खीरे को हम बीच में से ऐसे तोड़ देंगे। ये हमारा खीरा टूट गया है, इससे भी खीरे का कड़वापन काफ़ी कम हो जाएगा। सिर्फ इसको हाथों से तोड़ना है, इस पे चाकू हमें यूज नहीं करना है। तो हमारी तीसरी टिप है कि हमारा अदरक और लहसुन कूटते वक्त बाहर गिर जाता है उछल के, तो हमारा ये लहसुन और अदरक बाहर ना गिरे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस लहसुन और अदरक में दो चुटकी नमक डाल देंगे इसके ऊपर अच्छे से, और अब इसे हम कूटना शुरू करेंगे। नमक डालने के बाद हमारा अदरक और लहसुन कूटने के बाद भी बाहर नहीं गिर रहा, तो आप जब भी लहसुन और अदरक कूटे तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। अब हम बात करेंगे नींबू के बारे में। नींबू में से रस कैसे ज़्यादा निकले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने नींबू को अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इन्हें हल्के गर्म पानी में एक घंटे तक भिगोकर रख देंगे। उसके बाद जब हम इन नींबू को निचोड़ेंगे तो हमारा रस काफ़ी अच्छे से निकलेगा और ज़्यादा भी निकलेगा। और दूसरा, हम नींबू को स्टोर करके कैसे रखें, तो सबसे पहले मैंने नींबू को अच्छे से वॉश कर लिया है और इन्हें ड्राई भी कर लिया है एक सूखे कपड़े से। अब इसके बाद हम इन नींबू पे अपने हाथों पे हल्का सा नारियल का तेल लगा के हर नींबू पे लगा देंगे। जैसे मैंने हाथों पे हल्का सा नारियल का तेल लगा के और हाथों पे अच्छे से रब कर लिया है, अब मैं हर नींबू पे ये हल्का हल्का तेल ऐसे लगा दूंगी और फिर इन्हें हम एक पेपर नैपकिन में लपेट के एक एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, तो हमारा नींबू कई दिन तक खराब नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टिप की तरफ। तो उसके लिए हमने ये केला लिया है, तो केला हमारा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केले के इस पार्ट पे जहाँ से केला जुड़ा हुआ है इस हिस्से पे हम ये एक प्लास्टिक का ये रैप पेपर लेंगे और जहाँ से केला हमारा ये जुड़ा हुआ है इसको अच्छे से रैप कर देंगे। जब भी हमें केला खाने की ज़रूरत पड़े तो हम अपना केला निकाल लेंगे और फिर अच्छे से रैप करके हम इसे बाहर ही रख देंगे। केला हमें फ्रिज में नहीं रखना है, इसकी वजह से हमारा केला कई दिनों तक खराब नहीं होगा। तो ये थे हमारे 5 किचन के यूजफुल टिप्स। तो किचन में काम करते करते हमारा अपनी तरफ ध्यान कम ही जाता है, तो आज हम देखते हैं कि किचन में काम करते करते भी हम अपनी ब्यूटी का ध्यान भी कैसे रखें। तो चलते हैं एक ब्यूटी टिप्स की तरफ। ये मेरा दूध का पतीला है, इस पे चारों तरफ मलाई लगी हुई है, तो हम इस मलाई को कैसे यूज करें, तो सबसे पहले इसमें मैं आधा नींबू का रस निचोड़ दूंगी। बीज हमें इसके निकाल लेने हैं। उसके बाद इसमें मैं एक चम्मच बेसन डालूंगी और इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि मेरी ये मलाई और नींबू इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मलाई और बेसन और नींबू डाल के मैं इन्हें अपने हाथों पे अच्छे से रब करूंगी और इसी को मैं अपने फेस पे भी रब कर लूंगी थोड़ी देर के लिए, और 5-7 मिनट बाद मैं इन्हें फ्रेश पानी से धो लूंगी। इससे मेरे हाथों पे
या मेरे फेस पे जो भी हल्की फुल्की टैनिंग होगी वो भी ठीक हो जाएगी और मेरे हाथ और मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आप इस टिप को जरूर आजमा कर देखिए, ये किचन में काम करते हुए हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप इन किचन टिप्स को और इस वीडियो टिप्स को जरूर आजमाइए और मुझे बताइए कि आपको किचन के साथ साथ ये ब्यूटी टिप्स कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में और अच्छी अच्छी किचन टिप्स के साथ और ब्यूटी टिप्स के साथ। थैंक यू।